बड़ी खबर मुंबई से, जहां कल रात छत्रपति शिवाजी डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर इंजन में फंसकर एक एयरपोर्ट कर्मचारी की मौत हो गई। हादसा रात करीब 8:40 पर हुआ। इस हादसे में मारे गए टेक्नीशियन स्टाफ का नाम रवि सुब्रमण्यम है। एयर इंडिया प्रशासन के मुताबिक विमान के को पायलट ने ग्राउंड स्टाफ के एक संकेत को गलती से इंजन चालू करने का संकेत समझा। को पायलट के इंजन चालू करते ही पास में खड़ा टेक्नीशियन रवि सुब्रमण्यम उसमें खिंचा चला गया। मौके पर मौजूद लोग जब तक सुब्रमण्यम को बचाने पहुंचे, तब तक इंजन में फंसकर उसके चिथड़े उड़ चुके थे। मुंबई के छत्रपति हवाई अड्डे से एयर इंडिया का विमान AI-619 हैदराबाद के लिए उड़ान भरने की तैयारी में था। इस हादसे के बाद विमान की उड़ान को रद्द किया गया। केंद्रीय उड्डयन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने मुंबई एयरपोर्ट हादसे पर दुख जताया। ये एक दुखद दुर्घटना है और वो टेक्नीशियन वहाँ पर पुराना टेक्नीशियन था सुब्रमण्यम। ये पुशबैक के बाद जब जैसे इंजन ऑन हुआ, उसका सक्शन प्रेशर इतना ज़्यादा था कि इंजन ने उसको अपनी तरफ खींच लिया और उस दुर्घटना के अंदर उसकी मृत्यु हो गई है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एयर इंडिया चेयरमैन स्वयं और DGC के अधिकारी कल सवेरे वहाँ पर जा रहे हैं।